मेरा नाम आनंद चिट्टी है और पिछले 18 साल से मैं स्नेक रेस्क्यू का काम करता हूँ। खेत में जोर से काम चल रहा है, पर हम एक सांप पकड़ने आए थे। कड़किला हमारा दिखाई दे रहा है, सुबह का वक्त है दोस्तों, और एक खेती बाड़ी में काम करने वाले लोग कैसे सांप खेत में आते रहते, क्योंकि इस वक्त बारिश होने के कारण पूरी खेती में रहने को जगह नहीं रहता, तो सांप कहीं पर भी उसको ये हो जाते हैं और लोगों के बीच में सांप रहते हैं और हमें पता नहीं चलता और अपने रास्ते वो हमेशा जाते रहते हैं। देखिए किस तरह से वो ओपन स्पेस में था और मैं उन्होंने आवाज़ दिया और यहाँ से ये गुजर रहा था, मैं भी जा रहा था। कमाल का सांप है दोस्तों, हमसे दूर दूर जाना पसंद करते हैं और ज़्यादा उसको प्रेशर पड़ा तो इस तरह से करते करते। वैसे तो खेत है लेकिन ये काम की जगह पर है तो उसको हम अभी रेस्क्यू करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत है, उसको जगह मिलती है अगर होल वगैरह तो वो भाग जाते इस तरह से। लोगों के बीच में है सबको, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है, हम हर वक्त बताने की कोशिश करते हैं। और ये दिखने में छोटा दिखता है, पकड़ने के बाद बड़ा लगता है। और सांप खेत में हेल्दी रहते हैं क्योंकि चूहे वगैरह उनको खाने को मिलते हैं। सांप उनको पहचानना इस तरह से ज़रूरी होता है। ये देखिए, मतलब फोन निकालने के बाद आप आसानी से पहचान जाते हैं लेकिन ऐसे उसको पहचानना भी ज़रूरी होता है। सांप वैसे तो बहुत समान दिखाई देते हैं लेकिन लगातार वीडियो देखने के कारण ये देखिए हमसे दूर दूर जा रहा है। मतलब लोग तो बोलते हैं सांप गुस्से से पीछा करता है लेकिन मैं इसका पीछा कर रहा हूँ, ये हमसे दूर दूर जाना पसंद कर रहा है बेचारा। हाथ पांव पड़ा तभी ये काट सकते हैं, तो हमसे इसका कुछ लेना देना नहीं होता है। धीरे कितने नज़दीक हूँ मैं, इसको पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत और हेल्दी सांप है, बहुत खूबसूरत। तो इस तरह का कुछ नज़ारा है दोस्तों। और बेलगाम वैसे भी ग्रीन शहर है और हरा भरा जंगल से घिरा हुआ ये शहर है। यहाँ पर हम फार्म हाउस में हैं। क्या है सर इधर, ये सांप है? ये क्या है, घर है सर? आप रहते हैं इधर? हाँ, इधर रहते हैं। कौन देखा सांप को? है बाहर से आके इधर घुसा? कन्नड़ में बोलो, कन्नड़ में। उनको देख के लेडीज के वो इधर गया दोस्तों। खासकर आप खेत के आस पड़ोस में रहते हैं, कुछ इस तरह से नजारा है तो सांप आना बहुत ही मामूली हो जाता है और आराम से मिलेगा ऐसा लग रहा है। सांप को हाथ में पकड़े बगैर कभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर तो उसको छुपने के लिए जगह नहीं लगती क्योंकि ये कॉन्क्रीट वगैरह है। और देखते रहे हैं लगभग एक घंटा ये सांप हुआ और मैं काफ़ी यहाँ से दूर था। अभी देखेंगे सर, एक कैमरा पकड़ेंगे और मैं सांप निकालूंगा। सर इधर है, बड़ा से छोटा है वो? इधर इधर इधर, सामने सामने, हाँ वो साइड में, वो साइड में, वो साइड में, आगे आगे, हाँ उधर उधर उधर, अभी आएगा देखो। हाँ उधर ही देखो, नाक साफ ही देखो, यही देखा ना? हाँ, आप तो बहुत बड़ा बोल रहे थे। तो ऐसा होता है दोस्तों, खासकर खेती है तो ज्यादा ही रहते हैं, संभल के रहना जरूरी है। ये डर के थैली को ये कर रहा है, देखिए किस तरह से। मैं इंसान हूँ, मुझसे कुछ खतरा नहीं लग रहा है और इसको थैली से खतरा लग रहा है। मतलब सांप का जो स्वभाव है, हिलने वाली चीज पर रोक जमा लेता है, जान है या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं यहाँ से छोड़ दूंगा तो वहां से भी वो निकलने की कोशिश करेगा, आके काटने की नहीं। इस बात को समझिए, नहीं तो वीडियो बनाने का कुछ मकसद ही नहीं रहेगा। कि आप देख सकते मेरे, वो उनको देख के भी अंदर घुस गया, मतलब उनको डर रहा था। जब मैंने निकाला तो मेरे पांव तक कहां से आ गया और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने हाथ में लिया था तभी वो जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ में थैली ली तो कवर तो कर रहा है लेकिन यहाँ से वो इस थैली से भी डर रहा है, लेकिन वहां से जाने का रास्ता क्या है वो देख रहा है। आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है, समझने वाले को इशारा काफी है। आप कब समझेंगे, स्वीकार करेंगे, इसके ऊपर सांपों का डर जाना संभव है दोस्तों। नहीं तो डर के साथ जीना, डर के साथ मरना हो जाएगा। उड़ के सांप नहीं काटते, जिंदगी आपके आस पड़ोस में निकालते बात सच है। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। अब इसको हम बंद करेंगे। 3 साल का ये नाग न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, काटने के बाद ये जहरीला है, यानी जान जा सकती है, लेकिन इलाज किया तो
कुछ नहीं होता, आप अस्पताल में जाके एडमिट हो सकते हैं। इससे पहले हमारे जैसे कोई भी सांप पकड़ने वाले है, एक्सपर्ट है, उनकी मदद लेके सही में क्या करना है काटने के बाद ये भी सोचना जरूरी होता है, लेकिन अस्पताल जाना जरूरी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और डरना नहीं चाहिए। आगे हमारे वीडियो देखते रहिएगा। फेसबुक पेज सर्पमित्र आनंद चिट्ठी जरूर फॉलो कीजिए और साथ में सर्पमित्र आनंद चिट्ठी जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो भी देखिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ये अगर वीडियो पसंद आए ऐसी जानकारी आपके दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक पहुँचाने के लिए, ताकि सांपों की सही जानकारी उन तक पहुँचे और सांपों का डर खत्म हो, सांपों को मारने का बंद हो। काफ़ी सांप बिन विषैले होते हैं, उससे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन बिना समझे लोग मारते हैं, बात गलत है। इसलिए सही में सांप विषैले है तो भी वो अपने आप कुछ नहीं करते, दिखाने की कोशिश थी। उम्मीद है कोशिश अच्छी लगेगी। आपने कीमती वक्त दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी यहाँ पर रुकते, धन्यवाद।